रहा यहाँ का बैंक, ये है एटीएम और यहाँ पर है काउंटर। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैं आई हूँ बैंक में, तो देखते हैं कि अमेरिका के बैंक कैसे होते हैं। मैंने अमेरिका में पहली बार बैंक अकाउंट खोला था और जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि बैंक कैसे होती है, क्या होती है अमेरिका की। तो आज डिटेल में हम देखते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग का काम हो रहा है तो पता नहीं ये इंट्रो भी अच्छे से शूट हो पाएगा, मेरा आवाज़ आएगा या नहीं। पर अभी हम शॉर्ट में देखते हैं कि अमेरिका के बैंक कैसे होते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्डिंग बन रही है, तो सीमेंट भी यूज़ होता है यहाँ के बिल्डिंग में। आ गई हूँ बैंक के सामने, अभी बैंक के अंदर जाती हूँ, एड्रेस अपडेट करती हूँ, होप सो ये काम जल्दी हो जाए। वैसे अमेरिका के काम जल्दी और आसानी से ही हो जाते हैं बैंक के। ये रहा यहाँ का बैंक, ये है एटीएम और यहाँ पर है काउंटर। तो अभी इस काउंटर में जाके बात करते हैं जो भी खाली हो। यहाँ पर देखिए यहाँ की बैंक कैसे होती है। यहाँ पर ज़्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, इनको सब बताना होता है कि आपको क्या करना है, तो वो आपका काम करके देते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसी का काम हो रहा है और इस बैंक में अभी ज़्यादा लोग नहीं है, बस मैं हूँ, जिनका काम हो रहा है वो है और मेरे पीछे लाइन में एक लोग लगे हैं, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती अमेरिका के बैंक। तो ये PNC बैंक है जो कि क्लीवलैंड में है, मतलब USA में। और देखिए यहाँ की बैंक एकदम छोटी ही होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और ज़्यादा लोग भी नहीं है, बस दो काउंटर है, वही हेल्प करते हैं। और कभी कभी अगर ज़्यादा ही भीड़ रही तो एक एक्स्ट्रा के भी आ जाते हैं। और ये बाहर जो बैठे हैं वो आपको कुछ भी हेल्प चाहिए क्विक तो उसके लिए बैठे। बैंक के अंदर हीटर है और जब गर्मियाँ होती है तब AC भी होता है और ये ऑटोमेटिक डोर। और बाहर देखिए ATM भी है, तो यहाँ पर कोई पैसे भी निकाल रहा है। हो गया है मेरा बैंक का काम, बस 2 मिनट में हो गया, कुछ ज़्यादा तो कुछ लगा नहीं, बस उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मतलब स्टेट ID कार्ड एक यहाँ पर लगता है। मैंने मेरा अकाउंट नंबर बताया और फिर उन्होंने एड्रेस चेंज किया और बोला हो गया। तो बस अभी जाती हूँ घर। देखिए यहाँ पर डोर रिपेयरिंग का काम हो रहा है, वो डोर रिपेयर कर रहे हैं।